तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम गैस वेल्डिंग के बारे में बताएंगे कि गैस वेल्डिंग कैसे होती है और गैस वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों गैस वेल्डिंग होती है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और गैस वेल्डिंग की आपको टॉर्च दिखाते हैं, ये गैस वेल्डिंग की टॉर्च है जो इनके हाथ में है, जिसमें इस गैस वेल्डिंग का उपयोग दो धातुओं को गर्म करके पिघलाकर आपस में जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। गैस वेल्डिंग को जो गैस टॉर्च होती है, इसमें दो प्रकार की नलियां लगी होती है, आप देख सकते हो, जिसमें एक नली में ऑक्सीजन आता है, दूसरी नली में आता है एसिटिलीन गैस आती है दोस्तों दूसरी नली के अंदर। और ये इसका वायर होता है, वायर को पिघलाकर गैस वेल्डिंग की जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे नजदीक आके। इस प्रकार ये गैस वेल्डिंग की जाती है, दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए काम आती है दोस्तों। और एथिलीन गैस बनती है कार्बोराइड से, जो कार्बाइड इसमें एथिलीन गैस जो टैंक होता है सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है, ये आप देख सकते हो टैंक है, जिसमें हम कार्बाइड जिससे हम कार्बोराइड के जो टुकड़े होते हैं उसको हम नीचे की साइड इसमें डालते हैं और कुछ पानी की मात्रा होती है, उसके बाद ये सिलेंडर को बंद करके जब ये गैस बनती है जो कि एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन गैस के नाम से ये जानी जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये गैस वेल्डिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी दोस्तों चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।